On the ESI Hospital Sialdah incident, TMC's Kunal Ghosh has spoken out. He said the cause of the fire is a short circuit. Nearly 80 patients were trapped since the fire broke out on the ground floor. Right above the fire was the oncology department, which was filled with smoke, and one patient unfortunately lost his life. The administration, police and fire department did a good job at rescuing the patients. Let's listen in to what he had to say. Yes, Sialdah ESI mein ek fire incident unfortunate ho gaya. इसका मेंटेनेंस का रिस्पांसिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का या वो अभी डिबेट का समय नहीं है. अभी फायर ब्रिगेड से जो जानकारी मिला एक शॉर्ट सर्किट से अनफॉर्चुनेटली हुआ. टोटल करीब 80-81 पेशेंट इन्वॉल्व था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ये फायर इंसिडेंट हुआ और उसका ऊपर में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट थे स्मोक. वहां पर एक पेशेंट का अनफॉर्चुनेटली मौत हो गया स्मोक में और सीरियस पेशेंट थे. फोर्थ स्टेज कैंसर का पेशेंट थे और यहां पर तुरंत यहां का वर्कर्स यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काउंसिलर सचिन सिंह है पुलिस और फायर ब्रिगेड बहुत वो ठीक ठाक काम किया. 10 इंजिन्स ऑफ फायर ब्रिगेड दे आर वर्किंग अभी कंट्रोल में है. 54 पेशेंट्स उसको सियालदह ईएसआई से मानिकतला ईएसआई तक वो ट्रांसफर कर दिया गया. बाकी पेशेंट सीरियस पेशेंट भी है वहां का यहां का आईसीसीयू और एचडीयू में वहां का अभी ट्रीटमेंट का जो इंतजाम है वो. रेनिक दत्ता इज जॉइनिंग अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी. रेनिक, कुणाल घोष हैज स्पोकन आउट ऑन दिस सियालदह फायर इंसिडेंट. व्हाट इज ही सेड एंड ऑल्सो व्हाट इज द सिचुएशन देयर ऑन ग्राउंड राइट नाउ? देखिए, सियालदह ईएसआई अस्पताल में आज सुबह 5 बजे के आसपास जो फोर्थ फ्लोर में जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसी जगह में स्मोक दिखाई दिया. उसके बाद ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया. फायर ब्रिगेड का 10 टेंडर आ पहुंचे थे. 10 टेंडर का लगातार 2 घंटे का प्रचेष्टा में करीब 7:30 बजे के आसपास ही फायर ब्रिगेड की तरफ से कहा गया कि जो आग लगा था उस आग को कंट्रोल में ले आया गया है. मगर जो किस कारण में ये आग लगा था इसका जांच अभी किया जा रहा है. ऐसा भी फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है. ये पूरा घटना को लेकर ईएसआई अस्पताल में जिस बिल्डिंग में ये आग लगा था उस बिल्डिंग में टोटल 80 पेशेंट भर्ती थे. 80 पेशेंट को इविक्यूट किया गया था. ऐसा ही ईएसआई अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है. दूसरी तरफ ये पूरा घटना में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट भर्ती था उनका परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये स्मोक के वजह से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम में एक पेशेंट का मौत हुआ है. मगर ये अस्पताल का कहना है कि स्मोक की वजह से नहीं, उनको जब ट्रांसफर किया जा रहा था उसी वक्त उनका पैनिक अटैक हुआ और उसी वक्त उनका मौत हुआ है. मगर ये पूरा घटना को लेकर कुणाल घोष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना ये पूरा आग लगने का घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है. कुणाल घोष और उसके साथ साथ ही राज्य का दमकल मंत्री सुजीत बोस दोनों ही उधर पहुंचे थे. ये सही अस्पताल में पहुंचे थे, पहुंच के पूरा विजिट किए. दमकल मंत्री की तरफ से कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लग सकता है, मगर किस वजह में आग लगा है उसका जांच अभी फिलहाल किया जाएगा. और 10 इंजन उधर पहुंचे थे. 10 इंजन का करीब 2 से 2.5 घंटे का प्रतिष्ठा में 7:30 बजे के आसपास ही आग को कंट्रोल में ले आया गया. ऐसा सुजीत घोष की तरफ से कहा गया है. दूसरी तरफ कुणाल घोष की तरफ से भी कहा गया है कि ये पूरा घटना में एक जो पेशेंट है उनका देहांत हुआ है और वो फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट थे, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती थे. मगर ये पूरा सिचुएशन को लेकर पेशेंट का जो सेफ्टी उसको लेकर भी एक बार सवाल आ रहा है. इसको लेकर भी एक बार फिर से पॉलिटिकल जो चर्चा वो भी सामने आ सकता है क्योंकि ये सही अस्पताल केंद्र सरकार के आधार पे आता है और उसको लेकर ही कुणाल घोष की तरफ से पहले ही कहा गया कि इसका मेंटेनेंस सही तरीके से होता था कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल टीएमसी की तरफ से किया जा सकता है. मगर ये पूरा घटना को लेकर अभी फिलहाल जो पेशेंट्स है वो पेशेंट्स को मानिकतला ईएसआई में शिफ्ट किया गया है. 54 के ऊपर पेशेंट को मानिकतला ईएसआई में शिफ्ट किया गया है. उसके बाद आग बुझ जाने के बाद जो जब सिचुएशन कंट्रोल में आए उसके बाद ही ये सही अस्पताल का जो दूसरा बिल्डिंग उस दूसरा बिल्डिंग में बाकी जो पेशेंट है उनको शिफ्ट किया गया है. और अभी भी फिलहाल जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जारी है और जो मगर जो आउटडोर परिसेवा वो आउटडोर परिसेवा आज बंद रहेगा ऐसा ईएसआई की तरफ से कहा गया है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.